ये रहा भाई हमारे सामने बुर्ज अल अरब। मतलब आप ऐसे कपड़े नहीं पहन के जा सकते अंदर। इस होटल के टॉप पे भाई एक हेलीपैड भी है और साथ ही साथ में छत पे ना बीच बना रखा है इन्होंने। इस होटल में भाई एक नाइट रुकने के लिए स्कॉर्पियो तक बेच दी हमने, सोच लो। लिफ्ट भी भाई पूरी गोल्ड प्लेटेड है। ये है भाई मेरा 30 लाख रुपए पर नाइट वाला लग्जरी रूम। चम्मच वगैरह ये भी पूरा गोल्ड प्लेटेड है और इसका बेड भी भाई सब देख रहे हो पूरा रोटेट होता है, मस्त रात को सोते वक्त ऐसे घूमते रहेंगे। पर नाइट वही मैंने बताया था ना आपको 30-40 लाख रुपए। एंड बाहर भी जो आप सीलिंग देख रहे हो ये भी गोल्ड है भाई। मैं सोच रहा हूँ सोने का टीवी भाई। कोई भाई स्टेयर्स आपको दिख रही है, ये भी पूरी गोल्ड प्लेटेड है। एवरीथिंग गोल्ड प्लेटेड भाई। कोई मतलब खुद सोचो भाई, वॉशरूम आओगे वॉशरूम में जो जेट स्प्रे है पूरा 24 कैरेट गोल्ड का है यहाँ पे। ये भी सब गोल्ड प्लेटेड है भाई, टैप है ये। सोचो इटली घूमने आएगा 65,000 में तो यहाँ के अंडे खाने से अच्छा। हेलो जी, हेलो, क्या हाल है सभी के। होटल के ही रेस्टोरेंट में आए हैं भाई खाना खाने के लिए। बाहर जाने का टाइम नहीं है, प्लस अभिषेक ने कल यहाँ पे ना थाली खाई थी, वेज थाली, वो टेस्टी थी। और जो हमारे वो सरदार जी थे ना सब्सक्राइबर, उन्होंने भी बताया था कि अच्छी थाली है। मैंने कहा ठीक है फिर तो। लो भाई अपनी इतनी ह्यूज इंडियन नॉन वेज थाली आ गई है 39 दिरहम की। कोई रेट को 23.47 से मल्टीप्लाई कर लेना, लगभग 1,000 रुपए की लगा लो आप। यहाँ पर लाइन से भाई 4 सब्जियां है, 2 जिसमें से शायद नॉन वेज है और ये वेज है। ये तो दाल ही होगी। यहाँ भी चिकन है, थोड़े से राइस है, रोटी में यार बटर नहीं है, चिकन नहीं है। फिर क्या है? चाप है। अच्छा नहीं हो सकता, मेरे में चिकन है, इसके में चाप है, बाकी रोटी में बटर नहीं लगाया। और ये पापड़ है, रायता है और ये हलवा है। टेस्ट तो अच्छा लग रहा है भाई, और क्वांटिटी भी एक बंदे के हिसाब से तो बहुत सही है, बहुत सही। मतलब जितना भी खा लो पेट भरी जाए। वेज थाली 10 दिरहम सस्ती है, वो 29 दिरहम की है, ये 39 दिरहम। तो वो 600-700 की पड़ी, ये 1,000 की लग। भाई कुछ ज्यादा ही बड़ी थाली थी, 2 लोगों के मतलब की थी, बट उनका पॉलिसी थी कि एक थाली में एक ही बंदा खा सकता है, 2 नहीं, इसलिए हमें 2 अलग अलग लेनी ही पड़ेगी। बट बच गया भाई खाना, बहुत खाया ही नहीं गया इतना ज्यादा। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है भैया 18 मई 2023, मैं हूँ अभी दुबई में एंड आप देख रहे हो भाई नमस्ते लंदन रोड ट्रिप का एपिसोड नंबर 21 स्पॉन्सर्ड बाय वाउ स्किन साइंस। इस सीरीज में हम अपनी स्कॉर्पियो एन को लेकर दिल्ली टू लंदन जा रहे हैं बाय रोड 110 दिनों के लिए, 25 कंट्रीज कवर करते हुए 25,000 किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे। गाड़ी जो है अपनी वो मुंबई से जा चुकी है ईरान शिप होके, मतलब पहुंची नहीं है ईरान, 1-2 दिन में पहुंच जाएगी बस। और हम भाई दिल्ली से आ चुके हैं दुबई घूमने के लिए और 1-2 दिन में हम भी दुबई से ईरान चले जाएंगे, वहां से गाड़ी पिक करेंगे, मस्त पूरा रोड ट्रिप कंटिन्यू कर लेंगे। चलो जी रेडी हो गए हैं निकलने के लिए और आज हम जा रहे हैं भाई एक ऐसी जगह जहाँ का एक रात का किराया 30 लाख रुपए है। जी हाँ भाई साहब, एक ऐसा होटल या फिर दुनिया का एक लौता 7-स्टार होटल है वो, और दुनिया में भाई कहीं पे भी 7-स्टार होटल नहीं है, जितने भी होटल है वो सारे 5-स्टार ही होते हैं टॉप तक, पर दुबई में एक ऐसा होटल है 7-स्टार जिसका नाम है भाई बुर्ज अल अरब। एंड वहाँ का एक नाइट का जो किराया है ना भाई वो है 25 से 30 लाख रुपए, अराउंड $40,000 के आसपास। अभी तो फिलहाल हम सिटी मैक्स होटल में रुके हुए हैं बर दुबई में। यहाँ से हमें जाना पड़ेगा पाम जुमेरा, जो बुर्ज अल अरब है वो वहीं पे ही है भाई। एंड ऐसा कहते हैं भाई वहाँ के जो रूम्स है ना उसमें रियल गोल्ड का यूज करा गया है बाथरूम में, बेड के आसपास। तो भैया आज एक्सपीरियंस करेंगे हम खुद ही और आपको भी अपनी वीडियोस के थ्रू दिखाएंगे। टैक्सी होटल के नीचे मिल गई, चलो शुक्र है करीम से, बुक नहीं करनी पड़ी, यहीं से सीधा शुरू हो जाएगा। यहाँ से टोटल 21 किलोमीटर है मतलब बुर्ज दुबई से जहाँ पे हम रुके हैं। यहाँ पे जितनी भी बार हम टैक्सी बुक करते हैं ना ज्यादातर सेडान ही आती है, तो भाई साहब ऐसे इतने दिन से नीचे नीचे बैठे हुए, जब भी कोई ऊंची गाड़ी लगती है ना दिखती है तो ऐसा लगता है भाई कितनी ही ऊंची है, जबकि है वो नॉर्मली ऊंची, हम ज्यादा नीचे बैठे हुए इतने दिनों से इसलिए फील होता है। और लैंड क्रूजर तो भाई नॉर्मल है यहाँ पे, जैसे अपने इंडिया में फॉर्च्यूनर नॉर्मल चलती है ना, यहाँ लैंड क्रूजर नॉर्मली चलती है। यहाँ पे दुबई में ना आपको लगभग सारी बिल्डिंग्स अलग दिखेगी, मतलब यूनिक है स्ट्रक्चर उनका, कोई आज अलग सी शेप में है, जैसे फ्यूचर म्यूजियम वाला जो था भाई साहब वो हो गया, अलग ही डिजाइन बनाया हुआ था। एंड इधर भी देखो ये तो PS5 जैसी शेप लग रही है ये वाली, है ना। ये रहा भाई हमारे सामने बुर्ज अल अरब, अभी इसकी एंट्री देखते हैं किधर की साइड से है। और यहाँ से देखो भाई क्या अलग ही, मतलब जितने भी यहाँ पे चीजें बनाई हुई है ना दुबई ने, मैंने बताया ना आपको अलग अलग शेप की बनाई हुई है, ये बिल्कुल अलग ही शेप है, यहीं से होगा मेरे ख्याल अंदर नहीं, वो यहीं से लेकर जाएंगे इसमें बग्गी में, ये है ना, तो यहाँ तक ही उतरना है। अंदर तो उनके लिए भाई जिन्होंने होटल बुक करवाया है, हमारे पास है ये नॉर्मल अपना टूर की टिकट ना, हो गया दे दो भाई। टोटल अपने होटल से 54 दिरहम लगा है, वही 1100-1200 रुपए एक्चुअल में। क्या कुछ टाइम पहले भाई इस होटल को ना नॉर्मल
पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया था, एज अ टूर के लिए आप अंदर जा सकते हो, जिसकी टिकट हमने 5,500 रुपए की ली है। ये देख लो भाई, मैंने तो लिया है Klook.com से, आप भी जहाँ सस्ता मिले वहाँ से ले लेना। टोटल 5,588 रुपए पे करे है मैंने। बाकी आप ऑनलाइन नहीं लेना चाहते तो यहाँ पर भी ये काउंटर बना हुआ है, ये रहा, यहाँ से भी ले सकते हो। एंड ये बग्गी से अंदर ले जाया जाएगा। हम यहाँ पे नाइट स्टे करने नहीं आए भाई, 30 लाख रुपए कौन कर देगा? 30 लाख रुपए में तो अपनी स्कॉर्पियो बिक जाएगी, बताओ। एक रूम का रेंट है यहाँ पे एक नाइट, बढ़िया 5,550 रुपए में ये खरीद लो और अपना मस्त घूमो यहाँ पे। 1.5 घंटे का पूरा टूर रहने वाला है ये। ये लोग भी शायद अंदर से घूम के ही आ रहे हैं, पहले टिकट दिखाते हैं वहाँ चल के, उसके बाद भाई चलते हैं दुनिया के एक लौते 7-स्टार होटल में। इसके पीछे भी एक सच्चाई है, वो क्या है मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले टिकट का काम पूरा कर लिया जाए। एंड सामने ये एक और कोई होटल या रिजोर्ट है, एंड देख रहे हो क्या बना रखा है भाई, पत्थर ही पत्थर पूरा, ऐसा लग रहा है हम वहाँ आ गए हो, जैसलमेर साइड में है ना। अपना इंडिया भैया मस्त है, एक ही देश में आपको इतने सारे कल्चर, इतनी सारी चीजें देखने को मिल जाती है अलग अलग। चलो जी यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ तो टिकट वैसे महंगी होगी, हमने ऑनलाइन सस्ती ली है। ओके थैंक यू, दिखा दो टिकट। तो भाई ये अपने को कार्ड सा मिल गया है पहनने के लिए, एंड बाकी यहाँ पे अगर आप लेते हो तो ये प्राइसेस है। स्पेशल ऑफर चल रहा है, एक पिज्जा और 2 बियर भी लोगे तो 260 दिरहम पर पर्सन में मिल जाएगी अंदर ही खाने के लिए। मतलब ऑप्शंस है, मैंने तो नॉर्मल वाला लिया, सबसे सस्ता वाला, जिसमें कुछ खाने पीने का शायद नहीं मिलेगा। पीने की एक ड्रिंक मिल सकती है नॉन अल्कोहलिक, बट वैसे खाने का कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ आपको टूर देंगे अंदर घुमाने का। भाई ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है, 30 लाख रुपए वाले रूम में मैं आज जा पाऊंगा, मतलब वहाँ पे सोने का बना होगा सब कुछ, मजा। तो इसको ऐसा करता हूँ पहन ही लेता हूँ वरना खोजे। थोड़ा सा यहाँ पे भाई कपड़ों को लेकर भी है, ये जो रेड है मतलब आप ऐसे कपड़े नहीं पहन के जा सकते अंदर, बाकी ग्रीन वाले पहन सकते हो आप। मेन तो वही है, शॉर्ट्स ज्यादा छोटे ना हो और बीच वेयर ना हो, एंड नीचे भाई चप्पल भी अलाउड नहीं है, आपको जूते या सैंडल्स वगैरह ऐसा कुछ पहन के आना पड़ेगा। ये बग्गी वेटिंग एरिया है, यहीं पे बग्गी आएगी और इस पे बिठा देंगे। एंड ये लो भाई बोला ही है और आ भी गई, वो लोग तो ऑलरेडी बैठे हुए हैं इसमें, हम यहाँ पे 2 खड़े हैं 2 वहाँ हैं, वही मेरे ख्याल से 10-12 लोगों का ग्रुप तो होगा कम से कम। तरह की बग्गी है भाई सब, देख लो हर जगह बैजिंग तक कर रखी है, बुर्ज अल अरब, ऐसा पैसा खर्चा हुआ है, और ये इलेक्ट्रिक ही होगी है। चलो जी चलो यहाँ तक लेकर आए हैं बग्गी में तो, और यहाँ से जो है मेन एंट्रेंस शुरू हो गई है। यहाँ पे ये बैठने की सीटें बनी हुई है, बैठ जाते हैं। मेरे ख्याल से गाइड करेंगे थोड़ा सा, चीजें क्या करनी है अंदर क्या नहीं करनी है, रिलेटेड ही होगा। लो भाई वहाँ से हटा के हमें सीट यहाँ पे दे दी गई है, थोड़ी सी प्रीमियम। ऊपर झूमर देख रहे हो कितना तगड़ा है भाई, मोटा पैसा खर्चा हुआ है। एंड यहाँ पे कोई भी गेस्ट नहीं है होटल का, सिर्फ और सिर्फ वही लोग है जो अंदर टूर पे जाने वाले हैं। यहाँ पे ना काफी सारे पैकेजेस है, मैंने तो आपको बताया ना सबसे बेस वाले लिए, लेकिन उसके बाद भी है देखो, सॉफ्ट बेवरेज के साथ 6,700, फिर अंदर प्रीमियम बेवरेज के साथ है और महंगा, फिर सनसेट पॉइंट पे कुछ देते हैं पीने के लिए और महंगा, क्लब सैंडविच के साथ और ऐसी गोल्ड कैपेचिनो, ये बहुत फेमस है यहाँ का, 24 कैरेट गोल्ड वाली आपको कॉफी देंगे 9,000 रुपए में ये पूरा। और ये और भी ऑफर है, मतलब जितना खर्चना चाहो भाई खर्च लो, सबसे महंगा ये है 13,000 का, चीज प्लस वाइन UMA बार कॉम्बो। कोई नहीं भाई हम बाहर खा लेंगे, पिज्जा वीजा सब कुछ, अंदर बस टूर लेना है 5,800 रुपए खर्चने। होटल में भाई फ्री वाईफाई भी है, स्पीड चेक करते है कितनी है, 7-स्टार होटल है ना तो तगड़ी होनी चाहिए कुछ ना कुछ, तो नॉर्मल ही है तो 50-60 MB, बट ठीक है फ्री दे रहे वही काफी है। अंदर तो भाई वैसे ही बिठाया था, अभी वापस हम इस बग्गी में बैठ गए हैं और अब जाएंगे मेन उसके अंदर होटल के अंदर, और फोटो वीडियोज लेना अलाउड है उन्होंने कहा है, बट जो मेन लॉबी है ना जहाँ पे सारे गेस्ट वगैरह होते हैं वहाँ पे फोटोज और वीडियोज नहीं ले सकते, बट वो भाई बहुत सुंदर है, मैंने देखी है उसकी वीडियोज, ठीक है आपको नहीं दिखा पाऊंगा मैं वो चीज़। सीट बेल्ट लगा लिए भाई, टोटल हम 7-8 लोग हैं जो अभी इस बैच में टूर करने जा रहे हैं, 4:30 वाले, अभी अंदर और लोग हैं वो अलग बग्गी में आएंगे। वहीं मेन गेट से ही एंट्री हुई है जहाँ से टिकट्स वगैरह का काउंटर था ना, और यही होटल की एंट्रेंस है। तो ये बेसिकली भाई होटल समुद्र के ऊपर बना हुआ है थोड़ा सा जमीन से हटके, एंड ये वाला जो है ब्रिज है होटल तक जाने के लिए, एंड यहाँ पे गाड़ी रोकी गई है फोटोज वगैरह लेने के लिए। ये देखो भाई साहब क्या है मस्त, और ये है मेन होटल, ओहो कितना ऊंचा है, जब पास आ गए ना। इस होटल के टॉप पे भाई एक हेलीपैड भी है और साथ ही साथ में छत पे ना बीच बना रखा है इन्होंने, मतलब देख रहे हो कुछ तो अलग बात है भाई। तो ये वो स्पॉट है, यहाँ पे खड़े होके जो भैया हमारे बग्गी वाले वो ही फोटो ले लेंगे आपकी इसके जस्ट सामने, तो मस्त एकदम पिक्चर आएगी। जैसे कि मैंने बताया भाई ये ना समुद्र के ऊपर बना हुआ है, तो इस पूरे होटल को बनने में ना 5 साल लगे थे,
जिस आइलैंड पे ये है ना उसको बनने में लगे थे 2 साल एंड इस होटल को इतनी बड़ी बिल्डिंग को पूरा कंप्लीट होने में सिर्फ 3 साल, यानी कि आइलैंड प्लस होटल 5 साल में पूरा बन के रेडी हो गया। तो देख रहे हो क्या ह्यूज बिल्डिंग है। मतलब भाई मानना पड़ेगा दुबई की स्पीड को, जो चुटकी बजाते ही काम करते है ना, ये नेक्स्ट लेवल है वो। एंड ये होटल 1999 में जो है वो चालू हो गया था, मतलब बन चुका था। ये वो बग्गी है जिसमें हम आए हैं, पहले मैं फोटो खिंचवा लूं यार, मस्ती है। अच्छा कैमरा ऑलरेडी लगाया हुआ है भाई इन्होंने, ये देखो यहीं से ही ये डायरेक्ट फोटो खींच लेंगे और फिर शायद से जब देंगे तो वही पैसे लेंगे 100-150 दिरहम अंदर। बुर्ज खलीफा में भी यही था, दुबई फ्रेम में भी यही था, यहाँ पर भी यही सिस्टम है। बाकी पता नहीं पैसों वाला है या फ्री है, वो अंदर जाके ही पता चलेगा, बट कैमरा ही नहीं का। वही देख लो भाई जो मैंने कहा था, ये कार्ड सा पकड़ा दिया, कार्ड अंदर दिखाना है और पैसों के बदले अपनी फोटो ले लेनी। चलो जी फोटोज हो गई है, अब चलते हैं। ये सामने एंट्रेंस दिख रही है, बाहर से तो देखो ये स्ट्रक्चर दिखने में बहुत अच्छा है, बट इतना ज्यादा ना रॉयल और लग्जूरियस फील नहीं आ रही होगी, बट अंदर जाके जो आएगी ना भाई उसी चीज के सारे पैसे है। गेस्ट के लिए भाई ये वाली मेन एंट्रेंस थी, बट हमें यहाँ से नहीं कहीं और से ले जाया जा रहा है। ये सामने पूरा समुद्र है भाई। यहाँ से जो है मेन एंट्रेंस है, अपने लिए लोग गाइडेड टूर लेके आए हैं। थैंक यू। तो एंट्री करते ही ये दिया वेट टॉवल, सब अलग ही फ्रेग्रेंस है यहाँ के। थैंक यू। ये भाई वेलकम ड्रिंक है, ऑब्वियसली नॉन अल्कोहलिक। ओ भाई साहब कीवी का है, कीवी है ना, कीवी का। As you all know, His Highness wanted this building to be an icon. तो वहाँ तक अलाउड नहीं था भाई, यहाँ से आप जितनी भी फोटो वीडियोस ले सकते हो। और ये लिफ्ट है भाई साहब, होए होए होए, एंड 48 सेकंड्स में टॉप फ्लोर चला जाएगा यहाँ से। लेट्स गो भाई, लेट्स गो भाई, दिस इज फ्लोर नंबर 25। तो वैसे तो नंबर वाइज 25th फ्लोर है, बट हर जितने भी रूम्स है ना यहाँ पे, एक्चुअल में यहाँ पे रूम्स नहीं होते, यहाँ पे सूट्स होते हैं, तो हर सूट्स जो है वो डुप्लेक्स है, उस वजह से ये टेक्निकली 50th फ्लोर है, बट नंबर वाइज 25th फ्लोर है। लिफ्ट्स वगैरह देख रहे हो क्या मस्त है, बॉडी गोल्डन गोल्डन, अलग इंटीरियर है। ये जो पूरा इंटीरियर है ना वो किसी चाइनीज लेडी ने किया था, उनका नाम बताया था, बट मेरे को पता है, मतलब बोलना नहीं आ रहा। ये देखो भाई साहब, ओए होए होए, डिटेलिंग का ध्यान रखा हुआ है, एंड ये मिनिएचर रखा हुआ है यहाँ पे, छोटी छोटी चीजें देख रहे हो ये। तो जी क्या हाल चाल। एंड ऊपर से भाई नीचे का नजारा देखो, 118 मीटर ऊंचाई पे हम देख रहे हो और सिर्फ 25th फ्लोर है। ओए होए होए गजब। जो एट्रियम था ना भाई नीचे का, बहुत सुंदर था, मतलब बहुत सुंदर। वहाँ पे अलाउड नहीं थी वीडियो, वरना दिखाता, इतनी ऊंची भाई साहब, मजा सा गया। एंड ये फर्स्ट सूट का टूर हो रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हो नाम है एक्सपीरियंस सूट। एंट्रेंस ही देख लो, डबल डोर लगाया हुआ है। ओके ओके। तो इसको ये बता रहे हैं कि पहले ये सूट हुआ करता था, पर अब इसको म्यूजियम में चेंज कर दिया गया, तो इसलिए अब हम जितनी भी देर हो सोचो यहाँ पे स्टे करने में क्या तगड़ा मजा आएगा ना भाई। अलग ही लेवल पे यहाँ पे तो इंटीरियर करी गई है, देख रहे हो हर जगह गोल्डन गोल्डन हो रखा है। ये पता नहीं ये रियल गोल्ड तो नहीं होगा, हो सकता है सोने का पानी हो, पूछता हूँ मैं फिर बताता हूँ। पर जहाँ यहाँ के जो एक्चुअल रूम है ना भाई, वहाँ पर सोना यूज करा गया, प्रॉपर 24 कैरेट गोल्ड। यूज मी, these are gold plated or normal gold, gold gold plated like gold water or proper gold? Giving you the answer, but you are giving you answers. No, I'm asking you. Yeah, it is gold bhai, ye proper pure gold hai, dekh rahe ho, ऐसा वो बता रहे हैं, मुझे नहीं पता। ये देखो बैठने का भी भाई साहब, अब ये मत कहना कि असली शेर की खाल है, डिजाइन तो वैसी बना रखा है, असली है नहीं है पता नहीं। ये निशा चीता की है, देखो फोटो भी लगी हुई है ना। ये वापस से तुम्हारा बजट ट्रेवल गाइड इंडियन बैकपैकर। यहाँ पे भाई अंदर एक्वेरियम है और टर्टल्स के लिए हॉस्पिटल भी है। ये रहा भाई राइट में एक्वेरियम, अरे मछलियां का, ये तो नकली मछली है। एंड ये है डाइनिंग एट बुर्ज अल अरब। ओए होए, देख रहे हो भाई साहब, टेबल पे भी अलग ही लेवल का प्रोजेक्शन सा चल रहा है। एंड ये जो क्रोकरी है भाई, चम्मच वगैरह, ये भी पूरा गोल्ड प्लेटेड है। ये नहीं समझ आ रहा गोल्ड प्लेटेड है या प्रॉपर, मतलब गोल्ड प्लेटेड का मतलब है सोने का पानी चढ़ाया हुआ है या है ही सोने की, क्योंकि अगर ये एक सोने की हुई तो भाई इसका वेट अच्छा चिपका रखा है भाई, हिला नहीं सकते। एक का भी वेट अच्छा खासा होगा भाई, बहुत महंगी हो गई है, तो सोने का पानी होगा मेरे ख्याल। ये भाई आर्किटेक्ट स्टूडियो जिन्होंने बनाया था, नाम उनका शायद लिखा हुआ मिले तो आपको मैं दिखाऊंगा एक बार। ये देखो कंस्ट्रक्शन जो है वो 1994 में शुरू हुई थी और 1999 तक जो है वो आइलैंड एंड होटल दोनों बन चुका था। ये विजन थी भाई इनकी, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम जी की। ऐसा कहा जाता है कि उनको ना इस होटल का इंटीरियर पसंद नहीं आया था, तो उन्होंने पूरा भाई अंदर का इंटीरियर ही चेंज कर दिया था। अभी तो हम देखेंगे एक्चुअल में जाके, बट वो जो लॉबी वाला या एट्रियम वाला एरिया था ना भाई, मेरा दिल आ गया, इतनी ऊंचा, वो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वो है शायद से,
टॉयलेट कहते हैं, हाइए जो भी कहते हैं, बट भाई बहुत सुंदर, अंधा सुंदर जिसे कहते हैं ना, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे मैं बना नहीं सकता। एंड यहाँ पे देखो भाई मिरर रखा हुआ है, ये भी गोल्डन कलर का ही है। अब कलर है गोल्ड प्लेट नहीं, गोल्ड प्लेटेड वही पानी वाला ही होगा गोल्ड का, बट फिर भी भाई बहुत महंगा है ये। हाउ जी ओहो बल्ले बल्ले। यहाँ से पूरा व्यू दिख रहा है दुबई का, आप देख सकते हो सामने, ये ओल्ड दुबई, न्यू दुबई, न्यू तो उधर है वो रहा दूर, ये पूरा ओल्ड दुबई है। चलो जी ऊपर की फ्लोर तो कम्प्लीट। यहाँ पे ना सारे मटीरियल वगैरह लगाए गए हैं जो इस होटल में यूज हुए हैं। जैसे ये देखो अभी हम इस सूट में जाने वाले हैं, अंदर ही छोटा सा बाथ टब या जकूजी टाइप बना रखा है। ये सारे कलर्स है जो जो यूज हुए हैं यहाँ पर। टोटल भाई होटल में 21,000 स्वरोवस्की क्रिस्टल्स यूज करे गए हैं। ऐसे पूरे होटल में ही, हाँ पूरे में ही है। स्वरोवस्की आपको पता ही होगा, मेरी BMW X7 का जो गियर नोक था वो भी उसी ब्रांड ने बनाया था। सोचो उनके यहाँ पे क्रिस्टल्स लगे हैं। टोटल 24,000 स्क्वायर मीटर के जो है वो मार्बल है जो इटली से लाए गए थे फ्लोर एंड दीवारों पे। बाकी ये सारा मटेरियल है जो जो इस्तेमाल किया गया था, मेजरमेंट्स वगैरह, उनकी ड्राइंग्स वगैरह है ये पूरी बनाने के टाइम पे। एंड ये भाई वर्ल्ड का मोस्ट लग्जूरियस होटल है। चलो जी चलो नीचे चलते हैं, अब देखते हैं और क्या क्या है। ये तो म्यूजियम है ना, मेन सूट जाके देखना। सूट बोलते हैं स्वीट बोलते हैं, पता नहीं यार स्वीट बोल दूंगा मैं तो, आप समझ गए। ये भाई हर देश में बहुत फेमस हो रहा है, ऐसे बीच में खड़ा कर देते हैं प्लेटफॉर्म के एंड फिर कैमरा और जो रिंग लाइट है वो घूमती है। देखो फोटोज खिंचवाना और ये सब करना ना है तो फ्री, बट जब आप लेने लगोगे ना फोटो तब पैसे लेते हैं, तो वो इन शॉर्ट पेड ही हो गया। इधर की साइड भी पूरा समुद्र दिख रहा है, और जिस आईलैंड पे ये पूरा होटल बसा हुआ है ना भाई, वो मैन मेड आईलैंड है, 2 साल लगे थे बनाने में। यहीं पे भाई कॉम्प्लीमेंट्री खजूर और अरेबिक कॉफी मिली है, तो मैं ले आया हूँ। ये रहा खजूर, मस्त है और कॉफी कड़वी कड़वी है। कॉफी और खजूर डेजर्ट सफारी में भी देते हैं, इजिप्ट में बहुत चलते हैं जब मैं गया ना, बट वो सही में बहुत टेस्टी होता है। कॉफी मुझे वैसे भी नहीं पसंद, तो यहाँ की कहाँ से पसंद आएगी। चलो जी अब यहीं से अंदर से रास्ता बना रखा है आगे जाने का। ये है भैया 2502। एंट्रेंस लगभग सभी सूट्स की ना सेम ही है। इसका नाम है भाई रॉयल स्वीट। सो बिफोर वी स्टार्ट आई वांट टू आस्क यू हाउ डू लाइक आवर एंट्रेंस फ्रॉम हियर, डू यू लाइक इट? Yeah. Thank you so much. Personally, I like some places called the marble staircase. 24 karat gold ceiling and wall giving you practical living here. So this royal suite is very bright and colorful. Look amazing your camera. लो यहीं पे भाई suite के अंदर ही भाई ये private lift है। चलो अंदर जाओ। ओ भाई साहब ये पूरा एक ही है। Excuse me, how much for one night like? 40,000 US dollars. 40,000 US dollars. So that's the cost if you want to stay here, 40,000 US dollars. Okay. And how many people? Six? Six people maximum. And minimum 3 nights. Oh, okay. So like 120 like 120. Okay. तो ये जो पूरा स्वीट है ना भाई, यहाँ पर 6 लोग रुक सकते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम 3 रातों के लिए तो रुकना ही पड़ेगा, यानी कि एक नाइट का है 40,000 US डॉलर्स, टोटल हो गया 1,20,000 US डॉलर्स, अराउंड 3 नाइट का हो गया 1 करोड़ से भी ऊपर। तो पर नाइट वही मैंने बताया था ना आपको, 30-40 लाख रुपए का यहाँ का रेंट वो है चार्जेस, बट 6 लोग रुक सकते हो आप 30-40 लाख रुपए में। 7वां अगर रुकता है तो उसका अलग से चार्ज है। तो चलो पहला इसमें रूम दिखाता हूँ। ये पूरा ऊपर भी एक फ्लोर है, मतलब उन्होंने बताया था ना डुप्लेक्स है, तो एक उधर रूम है एक इधर रूम है, एंड ये पूरी लॉबी थी, एंड यहाँ पे है लिफ्ट। अब इसके अंदर देख लो भाई, ये एक तरह से काउचेस वगैरह का जो कहते हैं ना ड्राइंग रूम टाइप का एरिया बनाया हुआ है। यहाँ पे देखो सोफाज लगे हुए हैं पूरा, ओए होए होए रॉयल भाई। ऊपर ये जो गोल्डन आप देख रहे हो ये गोल्ड है, एंड बाहर भी जो आप सीलिंग देख रहे हो ना ये भी गोल्ड है भाई। काफी एंटीक फील दी हुई है मतलब, और यहाँ पे बैठना नहीं है कहीं पे भी, उन्होंने मना किया था क्योंकि ये एंटीक सोफेज वगैरह है, तो आप खाली देख सकते हो बस। ये देखो यहाँ पे एक छोटी सी वार्डरोब दे रखी है, जो भी देखो क्या मस्त है यार। एंड सोचो यहाँ से नजारा क्या तगड़ा मिल रहा है, ऐसे अंदर इतना खूबसूरत हो तो बाहर के नजारे कौन ही देखेगा। ये एक और काउच वाला एरिया, मतलब वहाँ पे भी बैठ सकते हैं 8-10 लोग, 7-8 लोग यहाँ भी बैठ सकते हैं। एंड टीवी भी लगा हुआ है, एंड टीवी है तो प्लेटोन कंपनी का, बट ये भी पूरा भाई गोल्ड प्लेटेड है। सोच रहे हो सोने का टीवी भाई, ओए होए। ये पिलर्स भी पूरे, ये भी सब कुछ, हर जगह सोना ही सोना, और यहाँ से वही व्यू मिल रहा है अपना दुबई का। ये भी आई गेस सोने का ही है पूरा। ये भाई सोने के रेट भी बढ़ रहे हैं, होटल भी यूनिक हो गया पूरे वर्ल्ड में, स्टे का खर्चा भी मोटा है यहाँ पे, तो सब चीजों से कमा रहे हैं पूरा गोल्ड। अभी मैंने अंदर कन्फर्म किया, गोल्ड प्लेटेड है वो पूरा, और ये भी जो स्टेयर्स आपको दिख रही है ये भी पूरी गोल्ड प्लेटेड है। ऊपर जा रहे हैं, ऊपर भी ऐसी सेम दो रूम्स बने हुए, देखते क्या क्या हुआ। तो डुप्लेक्स के ऊपर आके भाई, जैसे कि मैंने बताया 2 रूम्स थे, तो ये जो है
किंग का रूम है एंड ये है क्वींस रूम, मतलब असली राजा रानी नहीं रहते बट नाम दिया हुआ है क्वींस रूम एंड किंग्स रूम। बाकी ये एक लॉबी है, वही पिछले वाले स्वीट जैसी जैसे दिखाई थी ना, सेम टू सेम। असल में दोनों स्वीट बिल्कुल सेम थे, बस उसको म्यूजियम में चेंज कर दिया गया था एंड ये प्रॉपर रहने के लिए बनाया हुआ है। वही सेम लिफ्ट देख लो, नीचे से पूरी ऊपर तक आती है आपकी प्राइवेट एंड यहाँ पे मिरर लगा हुआ है। तो चलो पहले आपको क्वींस रूम दिखाता हूँ, क्योंकि किंग्स रूम है ना वो भाई बहुत तगड़ा है। तो लेट्स सी पहले किंग क्वींस रूम। वो भाई साहब ह्यूज भाई ह्यूज, घुसते ही इतना बड़ा। ये मेन सिटिंग एरिया या फोयर एरिया कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं इसे। और यहाँ पे भाई लगभग 12-13 सीटर सोफा लगा हुआ है, 3 टेबल्स लगे हुए हैं एंड पूरा इंटीरियर यहाँ भी देखो। और ये सब कुछ गोल्ड प्लेटेड है। दिस इज आल्सो गोल्ड प्लेटेड, एवरीथिंग गोल्ड प्लेटेड भाई, सब कुछ गोल्ड प्लेटेड है। यहाँ पे एक और सोफा लगा हुआ है, ये भी बैठने के लिए मस्त सा। बाकी ये ऐसे पूरा सजावट के लिए अंदर सामान रखा हुआ है शोकेस टाइप। यहाँ से भी आप पर्दे हटा के व्यू ले सकते हो बाहर का। लाइटिंग प्रॉपर ध्यान दिया गया, मतलब देख रहे हो ना ज्यादा ऐसे चटक मटक है ना ही इतनी ज्यादा कम है, प्रॉपर लिटअप भी लग रहा है। एंड ये है मेन बेडरूम, गेट वुडन प्लस में गोल्ड प्लेटेड, दोनों का कॉम्बिनेशन है। हैंडल देख लो भाई सब, ये भी गोल्ड प्लेटेड है, दोनों तरफ ही लॉक तक गोल्ड प्लेटेड है ये रहा। एंड इस तरह का होए यहाँ रहने में भाई क्या मजा आएगा, बट वही बात है 30 लाख रुपए पर नाइट। ये कबर्ड है, यहाँ पे आपको तकिए वगैरह मिल जाएंगे, सब कुछ गोल्ड प्लेटेड है। ये भी एंड अगेन बेडरूम से इतना तगड़ा व्यू देख रहे हो। देखिए वैसे ही बैठने के लिए बना हुआ है जैसे पूल साइड पे होता है ना, तो रिलैक्स कर सकते हो आराम से। इधर और 2-3 लोगों के बैठने के लिए बना हुआ टेबल लगा है। ये है भाई क्वींस बेड, इसमें आपको देखो गद्दा वद्दा तो नॉर्मल ही है, पूरा अच्छा खासा बेड साइज है। बट ऊपर जो है ना भाई इतना बड़ा शीशा लगा रहा, क्योंकि मतलब होता है ना लड़कियों को ज्यादा सजने धजने का शौक होता है, तो सुबह जैसे ही उठो ईदा भाई उठते ही ऊपर शीशा देखो और मस्त तैयार हो जाओ बेड पे। बाकी यहाँ पे साइड टेबल है, अपना एक्सटेंशन रखा हुआ है और एक रिमोट है। ये शायद से वॉशरूम उधर है शायद। ये तो पहले हो गया वॉकिंग वार्डरोब पूरा का पूरा, इतना बड़ा मिरर भाई, ये भी पूरा गोल्ड प्लेटेड। एंड ये है अलमीराज वगैरह देख रहे हो, अंदर सेफ भी रखा है एंड इधर की तरफ भी है, सारी अलमीराज है, पूरा सेंट्रलाइज एसी है सब कुछ। एंड यहाँ के बटन्स वगैरह देखो इस तरह के हैं। एंड देन फाइनली भाई ये रहा वॉशरूम। ओहो भाई साहब क्या ह्यूज है देख रहे हो, इतना बड़ा। ये 2 मिरर लगे हुए, 2 वॉश बेसिन है, सारी चीजें मिल जाएगी। ये भी सब गोल्ड प्लेटेड है भाई, टैप है ये सोचो, हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर। ये बाथ टब जकूजी जो आप कहना चाहो इलेक्ट्रिक ही है, यहाँ से ऑपरेट होता है पूरा। बाथरूम दे रखा है, यहाँ पे भी शीशा है, एक नॉर्मल वो है बच्चों के लिए। एंड ये मेन टॉयलेट सीट है। एंड यहाँ पे भाई ये सब कुछ जितने भी है ना, जेट स्प्रे, हैंड स्प्रे, जेट स्प्रे जो भी है वो, ये टॉवल वाला, ये सब कुछ जो है वो भाई 24 कैरेट गोल्ड से बना हुआ है, टिश्यू होल्डर तक हुए हुए, गजब भाई गजब। ये बाकी शावर एरिया हो गया बड़ा सा, इसके अंदर भी जितना शावर वगैरह लगा हुआ है, ये जितने भी नल के टैप्स है, ये सब कुछ गोल्ड प्लेटेड है, देख रहे हो पूरा भाई 24 कैरेट गोल्ड है, ये भी गोल्ड हुए हुए, गजब यार गजब, मजा सा आ गया। अभी तो क्वींस रूम है, किंग्स रूम और बड़ा है शायद से, तो वो भी दिखाता हूँ। मतलब खुद सोचो भाई, वॉशरूम आओगे, वॉशरूम में ये जो जेट स्प्रे है पूरा 24 कैरेट गोल्ड का है यहाँ पे। ये है भाई फाइनली किंग्स रूम, ये देख सकते हो आप एंट्री करते ही, पहले तो बेड लगा रखा है इसमें। एंड ये बेड जो है रोटेटिंग, दिस इज रोटेटिंग राइट, ये पूरा ऐसे बेड भाई रोटेट होता है, जैसे वहाँ पे शीशा लगा हुआ था ऊपर, ये रोटेट हो जाता है। यहाँ पे कंट्रोल दे रखे हैं, ये देखो भाई इस तरह से प्लेटफॉर्म जो है वो पूरा का पूरा नीचे से रोटेट होता है। भाई साहब सोते सोते सोचो घूमता रहे ऐसे, मस्त क्या मजा आ जाए। यहीं पे बाकी सोफा वगैरह लगे हुए हैं, इतना बड़ा टीवी है वहाँ, क्वींस रूम में टीवी नहीं था शायद से, है ना, यहाँ पे टीवी है। लेकिन बाकी ये टेबल वेबल है, यहाँ पे वार्डरोब है, वॉशरूम दिखाता हूँ पहले, ये एरिया देख लो, यहाँ पे भी वार्डरोब लगे हुए हैं पूरा सजने धजने के लिए, मस्त ऐसे शीशे वीशे लगे बड़े बड़े। वॉशरूम दिखाता हूँ भाई, क्वींस का इतना बड़ा था तो किंग वाला तो ओए गजब भाई गजब, क्या साइज है भाई साहब, मतलब बाथरूम के अंदर बैठने का बना हुआ है। यहाँ पे बाकी शावर एरिया बिल्कुल सेम है, कुछ चेंजेस नहीं है। टॉयलेट सीट वाला एरिया भी सेम है, ये भी सारा गोल्ड प्लेटेड है 24 कैरेट। यहाँ पे एक और बैठने की जगह है, मतलब कोई यहाँ पे कर रहा हो तो उसको बैठ के आप देख सकते हो। बाकी ये नहाने का है, ये भी सेम ही साइज आएगा, सेम है बाथरूम तो। ये देखो भाई 2-2 कैमरों से शूट हो रहा है, रील के लिए भी एंड वीडियो के लिए भी, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना जरा। चलो भाई चलो, ये टूर था किंग्स वाले का, चलो जी टूर हो गया, थैंक यू। नीचे चलते हैं अभी यहाँ से, अपना अभी से कहाँ चला गया, दिस साइड। तो नीचे अभी एक और रूम था, वो है डाइनिंग एरिया, तो यहाँ पे बेसिकली लंच खाना या थैंक यू। व्यू देख लो भाई गजब का, वही एंड कितनी सीट्स हैं, 12 सीट रखी हुई है। झूमर देखो ऊपर, यहाँ पे आप आराम से खाना खा सकते हो। ये गोल्डन नहीं है दिस, ये शायद से सिल्वर है। यहाँ पे ये फ्रेगनेंस के लिए ऊद होता है शायद से फेमस। एंड इस तरह से एक और मीटिंग रूम आप कह सकते हो, ऑफिस मीटिंग रूम जो भी है, अंदर भी बना हुआ है, नॉर्मल है, नॉर्मल तो नहीं मतलब गोल्ड है सारी जगह पे। ये भाई प्योर सिल्वर की है, गोल्डन गोल्ड नहीं है, बट वैसे आपको काफी जगह पे गोल्ड दिख जाएगा। चलो जी चलो एग्जिट करें यहाँ से, एक और
एंट्रेंस है ये, मतलब इस स्वीट की दो एंट्रेंस थी, एक हम वहाँ से एंटर किए थे, यहाँ से एग्जिट किए। बढ़िया था यार, वैसे मतलब छह लोग क्या इसमें तो ऊपर है, पर ये छह लोग कहते हैं मेरे ख्याल से छह नहीं, यहाँ पे तो दस भी रुक सकते हैं आराम से ना, इतना बड़ा एरिया है। क्योंकि एग्जिट कहाँ से यहाँ से, दिस इज ऑल्सो गोल्ड प्लेटेड, लिफ्ट भी भाई पूरी गोल्ड प्लेटेड है, प्रॉपर गोल्ड थोड़ी होगा, पानी चढ़ा हुआ है, पानी चढ़ा हुआ है प्रॉपर, इतना गोल्ड कहाँ से करेंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ भाई, ये सारा गोल्ड प्लेटेड है 24 कैरेट नाकी के गोल्ड, अगर इतना गोल्ड यूज करेंगे तो भाई पता नहीं कहाँ से ही आएगा इतना सोना, सोच रहे हो। देखो भाई शीशे शीशे, लो जी नीचे आ गए हैं, अब पता नहीं क्या घूमना है, हमारा जो ग्रुप था वो तो गायब ही हो गया। ये शॉप है शायद से, यहाँ से आप चीजें भी खरीद सकते हो, बट आपको पता ही होगा जब रूम 30 लाख रुपए पर नाइट है तो ये सामान भी भाई लाखों में ही होगा, तो इसलिए हमें नहीं खरीदना, हम चलते हैं भाई। चलो देख लो भाई, पर्सेस, सोविनियर्स, कैप्स, ड्रेसेस, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, बहुत महंगा। एंड इंटीरियर पे तो भाई खतरनाक वाला काम किया गया है, जो भी वो चाइनीज आर्किटेक्ट। लेट्स गो भाई, कहाँ है, अरे एग्जिट कहाँ है। चलो जी मेरे ख्याल से टूर खत्म हो गया है यहीं पे ही, यही था इस पूरे पैकेज में 5,800 रुपए में। बट ठीक है भाई, किसी के आर्किटेक्ट की मतलब जो कला थी वो हम 5,800 रुपए में देखने आए थे। सोचो ऑब्वियसली पैसा भी लगा हुआ है यहाँ पे बहुत, जिस तरह से गोल्ड प्लेटेड सारी चीजें कर रखी है 24 कैरेट में, हर जगह सोना ही सोना, सोना ही सोना भाई, सोना ही सोना दिखेगा। यहाँ से भाई अपनी फोटो देख सकते हैं जो क्लिक हुई थी, कुछ खास फोटो आई नहीं थी पीछे क्योंकि सूरज आया हुआ था ना, हमने जो फोन से ली थी ना वही सही थी, तो हमने कहा रहने तो 100 दिरहम में दे रहे थे, और एक वीडियो भी बनाई थी वो भी 100 दिरहम की थी, मैंने तो बनाई नहीं थी वीडियो, इसने बनाई थी वीडियो। एक्चुअल में अच्छी है अगर आप वहाँ पे थोड़े बहुत एक्शन कर देते, बट इसने किया नहीं, एम ही खड़ा हुआ था, तो अच्छी नहीं बनी। बाकी 100 दिरहम मतलब 2300 रुपए की भाई फोटो और वीडियो एक एक अलग अलग, 2300 + 2300 = 4600। ना भैया ना, इतना पैसा नहीं है। बाकी ये बाहर रेस्टोरेंट टाइप का बना हुआ, खाना पीना चाहो तो बहुत महंगा खा सकते हो आप, यहाँ भी हर जगह मुझे गोल्ड ही दिखाई दे रहा है। ये तो नहीं होगा असली गोल्ड, हो भी सकता है भाई, इनका भरोसा नहीं है वैसे। चलो बाकी यहाँ पे उन्होंने कहा था बगी मिल जाएगी जो हमें बाहर छोड़ देगी। तो ये था भाई बुर्ज अल अरब का एक पूरा टूर अंदर का, जो यहाँ का रॉयल स्वीट है उसका भी मैंने आपको टूर दे दिया भाई। 30 लाख रुपए पर नाइट में होटल में रुकना बहुत बड़ी बात है, मतलब देख रहे हो भाई 30 लाख रुपए खर्चे हैं मैंने सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको दिखा सकूं कि दुनिया का एक लौता 5-स्टार होटल कैसा है दिखने में, बुर्ज अल अरब। हालांकि 30 लाख खर्चे नहीं मैंने, मैंने तो 5800 रुपए खर्चे हैं, और उसी में एक्सपीरियंस खुद भी ले लिया, आपको भी दे दिया। हाँ इसके पीछे की स्टोरी बताता हूँ, एक्चुअल में ना भाई 7-स्टार होटल है ही नहीं, ये एक 5-स्टार होटल है, क्योंकि दुनिया में कोई भी 7-स्टार होटल एग्जिस्ट ही नहीं करता, शायद यूरोप में कहीं पे एक है पर वो भी विवादित चीज है। असल में हुआ कहता 1999 में ना एक ब्रिटिश टूरिस्ट यहाँ पे आया था, और उसको यहाँ का एक्सपीरियंस इतना तगड़ा लगा कि उसने ना एक आर्टिकल में लिख दिया था कि यहाँ की सर्विसेज मुझे 7-स्टार जैसी लगी, तो तब से ही भाई इसका नाम मतलब समझ रहे हो वैसा हो गया था। यहाँ से देखो कितना ऊंचा है भाई, और वो ऊपर हेलीपैड भी है, तो छत पे बीच बना रखा है इन्होंने, छत पे बीच कहाँ बनता है, स्विमिंग पूल बन जाता है, बीच बना दिया इन्होंने, अलग ही है दुबई भाई, कुछ भी कर सकता है। तब से ही देख लो 1999 से ही इसको 7-स्टार होटल कहा जा रहा है, इनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ना ये ऑफिशियली खुद भी बोलते हैं कि ये 7-स्टार होटल है, ये 5-स्टार ही बोलते हैं। हालांकि ये वर्ल्ड का मोस्ट लग्जूरियस होटलों में से आता है, में से आता है या फिर है शायद से मोस्ट लग्जूरियस, वो कह नहीं सकते, बट चंगा है भाई, मजा आ गया। ये भाई टोटल 321 मीटर ऊंचा है भाई साहब, एंड एफिल टावर से 14 मीटर ऊंचा है, सोचो। बाहर निकलते भाई, ये बैठने का जो रेस्टोरेंट है इसमें ना ये स्कैनर दे रखा है मेन्यूज के लिए, एक बार स्कैन करके देख ही लेते हैं कितने कितने की क्या क्या चीजें मिल रही है। ये देखो भाई मेन्यू आ गया है, इसमें पहले तो कुछ खाने का देखते हैं। ओ भाई साहब ये कुछ तो है, इटालियन कैवियर, अंडे वंडे दिख रहे हैं इसमें, तुमने कहा भाई साहब 50 ग्राम 2750 दिरहम, इस टाइम पे 23.5 रुपए का लगभग चल रहा है एक दिरहम, इंडियन करेंसी में 64,000 रुपए का भाई, मतलब एक इटालियन अंडे की डिश 64,000 रुपए की कौन खाएगा भाई, 64,000 में पूरा देश घूम ले कोई जाके, अच्छा खासा इटली घूम आएगा 64,000 में, तो यहाँ के अंडे खाने से अच्छा। इसके अलावा जूस वगैरह भी बहुत महंगी है, 1100-1200 रुपए का छोटा सा गिलास है, तो बैठने लायक ही है बस, खाने लायक नहीं है, बाहर चलते हैं फिर। यही बग्गी भाई हमें बाहर तक छोड़ देगी, तो लेट्स गो इसमें बैठते हैं और चलते हैं, लेट्स गो। आगे का भी मजा लगे, पीछे का भी, इसी में छोड़े आओ भाई होटल तक, वरना 60 दिरहम फिर देने पड़ेंगे जाने के। महंगी टैक्सी है, 1300-1400 रुपए तो भाई कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे टैक्सी, 20-20 किलोमीटर के 1400 रुपए लग जाते हैं। हमारे गुड़गांव से घर से एयरपोर्ट जाने के भी नहीं लगते इतने, तो मतलब एयरपोर्ट तक भी 300-350-400 रुपए में काम हो जाता है, और यहाँ पे देख लो 20 किलोमीटर के 1200 रुपए दे रहे हैं। सामने ही ये समुद्र और बीच का व्यू, यहाँ बीच पे भी आप आ सकते हो, मैं पिछली बार जब आया था तब आया, जब मैं पिछली ट्रिप में आया था ना तब मैं गया था बीच पे, और यहीं पे पाम जुमेरा भी है, वो मैन मेड पूरा आइलैंड जो बना हुआ है वहाँ भी आप जा सकते हो, बट हम नहीं जा रहे भाई, पिछली बार हो क्या मतलब मन सा नहीं करता दो दो बार एक ही चीज देख के, तो यहीं से देख लो बस, जो देखना है जितना देखना है समुद्र। आन में वैसे भी अभी शिप से हमारी गाड़ी आ ही रही है, वहाँ भी समुद्र ही दिखेगा। गाड़ी से याद आया भाई, जितने में एक नाइट में यहाँ पे स्टे मिल रहा है 30 लाख रुपए में, तो समझ लो आप एक नाइट इस होटल में रुकने के लिए हमें अपनी स्कॉर्पियो बेचनी पड़ सकती है। चलो जी चले टैक्सी करे बुक यहाँ से और निकलते अपने होटल की तरफ। ये जो भाई आई डी कार्ड मिला था ये वापस नहीं देना, ये एज अ सुवेनियर आप ले जा सकते हो, 5800 रुपए भर के ये मिल रहा है मस्त,
मतलब एक्सपीरियंस जो मिला वो तो अलग है। ऑनलाइन ही बुक कर लेते हैं टैक्सी, यहाँ रुकने का तो मुझे लग नहीं रहा कि उम्मीद है। ओ टेस्ला टेस्ला, हाँ यहाँ लेक्सस खड़ी है, मतलब लेक्सस वेक्सस तो भाई छोटी बात है यहाँ पे। लैम्बोर्गिनी फरारी इतनी है तो फिर ये कंपनी तो उनके हिसाब से छोटी हो गई ना यार। पे एक तो पता नहीं जूते पहनने से ना पैर से छिल जाते हैं, मेरे को तो चप्पल में कंफर्टेबल लगता है। वो ये यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन थी कि चप्पल वप्पल पहन के नहीं आ सकते। यहीं तो रुको, यहीं आई होटल कर दी बुक कर दी रुके ना रुके पता है। अब कैंसिल करूंगा, चार्ज लगे, क्या पता जा रहा हो किसी को लेने। एंड इसी के सामने भाई अपार्टमेंट बने हुए, जो लोग यहाँ रहते होंगे भाई साहब क्या सही है ना। वो देखो भाई सामने रोल्स रॉयस खड़ी है। एंड भाई सबने ना, मतलब सबने तो नहीं, मतलब काफी गाड़ियों में ना यहाँ पे ब्लैक टिंटेड वो होती है अपने शीशे। देखो ये सामने जा रही इसमें भी, मेरे ख्याल से यहाँ पे चलान वाला नहीं है काले शीशों का। ये देखो टैक्सी तक में भी काले शीशे करवा रखे है। बताओ इंडिया में हो तो अभी चलान पे चलान कर दे कोई सी भी गाड़ी हो, भले ही महंगे से महंगी। अभी अंदर एक फरारी गई इतनी तगड़ी सी गाड़ी, तो दुबई में मस्त देखने को मिलेगी क्योंकि सस्ती है ना। तो भाई अपनी कैब आ गई, वो खड़ी 3687 नंबर। अपना 62.5 दिरहम, इस बार थोड़ा ट्रैफिक था इसलिए 2-3 दिरहम ज्यादा लग गए। यार डिनर करने का मन सा नहीं हो रहा था तो मैंने सोचा डिनर में फ्रूट्स ही खा लिए जाए। ये ले लिया भाई, और एक ले लूंगा ये अपना अंगूर का, 3 से अच्छे से पेट भर जाएगा। 6.5 दिरहम का ये है, 6-6.5 का ये होगा, और ये भी इतने का ही है, 5-6 दिरहम का। नहीं ये सस्ता है, 3 दिरहम का ही है खाली। तो सही है भाई, 13-14 दिरहम में काम हो जाएगा, मतलब 300 रुपए में। ये हेल्दी है, सुबह थाली खाली ना बड़ा अजीब सा लग रहा है पेट में, तो मैंने सोचा फ्रूट हल्के रहेंगे और बॉडी के लिए भी अच्छे। चलो भाई बाकी वाले ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना। बाय।